पहले चिकन ले लें, इनको वॉश करके इसको, फिर इसके छोटे छोटे कट लगा लें। सब पीसीस के ऐसे कट लगा के इसको पेस्ट किया। कट लगाने के बाद इसका पेस्ट बना लें। अब हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। गार्लिक और जिंजर लेस पेस्ट, ये चिली पेस्ट ऐड कर रहे हैं इसमें हम। सुरख मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। गरम मसाला भी ऐड कर रहे हैं। नमक ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से कम और तेज स्पाइसी कर सकते हैं। चाट मसाला, बेसन, बेसन की मिकदार बहुत कम रखनी है। चाट मसाला अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। योगर्ट आपको बन लगे तो और ऐड कर सकते हैं। योगर्ट इतना अलग इसका थिक सा पेस्ट बन जाए। सब चीज़ों को यकजान करके इसके बाद लेमन ऐड करें। इसके बीच साइड पर कर लें। अपने हैंड की मदद से इसको अच्छी तरह से कोट कर लें। उसके बाद ये हमने कलेजी पोटे लिए हैं, इसको भी पेस्ट में अच्छी तरह से कोट कर लें। 20-25 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे ढाक के, ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। उसके बाद हम फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं।
हल्की आंच में इसको फ्राई करना है और इसकी साइड चेंज करके इसको चेक करते हैं, हल्का ब्राउन होने पर। हल्की आंच पे बनाने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम लिया है। इसी तरह से दूसरे में फ्राई करके निकाल।